देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही स्कूल कॉलेज में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां पर NSUI ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर सूर्य नमस्कार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर प्रदेश में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी NSUI की मेडिकल विंग ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के परिसर में सूर्य नमस्कार आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी उपस्थित होकर सभी NSUI पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सूर्य नमस्कार किया। NSUI मेडिकल विंग ने पूर्व प्रदेश समन्वय रवि परमार पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर NSUI द्वारा युवाओं और प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर NSUI मेडिकल विंग के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। सूर्य नमस्कार के माध्यम से आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के नागरिक और जो युवा हैं उनको एक संदेश दिया है कि सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है और यह हमारी बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभदायक होता है। इसलिए सभी युवाओं से आज अपील की है कि वहाँ अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार शामिल करें और जो भी योगा अभ्यास होते हैं वो अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य निरंतर लाभदायक होगा और आगे आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर हमने आज यहाँ पर प्रण लिया है कि हम हमारी पूरी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार और अन्य योगाभ्यास शामिल करेंगे, जिससे कि हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो अपने दिनचर्या में सूर्य नमस्कार शामिल करें।